नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स एंड थ्रू दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट यू टू प्रोवाइड यू फुल प्रोफेशनल एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इन क्लासेस में जो वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स वेदर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स और मेंस और फॉर द गाइडेंस फॉर द इंटरव्यू। मीन्स इन वीडियोज को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने फ्रॉम यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई से पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन, उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिविजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोज में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू दी एंटायर कोर्स फ्री थ्रू दी यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल अकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्डर 33 सूट बाय द इंडिजेंट पर्सन एंड प्लीज नोट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। प्लीज सी द मार्जिनल नोट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल कम फ्रॉम दिस मार्जिनल नोट। दिस इज व्हाट ऑर्डर 33, व्हाट इज हेडिंग suits by indigent person, which order deals with the suits by the indigent person, और उसको हम क्या बोलते हैं, pauper suit भी बोलते हैं। यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम सच kind of questions, प्लीज सी द स्लाइड्स। दिस इज वॉट सूट बाय इंडिजेंट पर्सन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन अंडर ऑर्डर 33। दिस इज वेयर आर द प्रोविजन रिलेटिंग टू द केस ऑफ इंडिजेंट पर्सन गिवन इन द सी पी सी, दिस इज ऑर्डर 33। एंड नेक्स्ट केस, नेक्स्ट जो है questions may be asked for correctly matching the links. So what is this? See, there can be questions in your prelims where they will give you orders like this: order 27, order 32, order 33, order 35, and they will mention the headings, a marginal note here, suppose government suit, indigent suit, इसी तरीके से कुछ भी लिखेंगे वो, और देन दे विल आस्क यू टू मैच करेक्टली मैच कर लीजिए इसमें। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, आपको मैंने गाइड कर दिया, ध्यान रखिएगा आप लोग, करके आइएगा क्वेश्चन वहाँ पर। सो बेसिकली ऑर्डर कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर 33 प्रोवाइड्स फॉर फाइलिंग ऑफ सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, डोंट फॉरगेट दिस। एंड अगेन एक क्वेश्चन कैसे आता है, पॉपर सूट के नाम से भी आता है, सूट बाय द थर्ड, वॉट डज पॉपर सूट मीन, पॉपर सूट का मीनिंग क्या है, दैट इज वॉट सूट बाय द इंडिजेंट पर्सन, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ से आप नहीं भूलेंगे, दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम योर हेडिंग इटसेल्फ। अब इसमें हम लोग जाते हैं, इसकी मेन बात है क्या, इसको समझ लीजिए। इंट्रोडक्शन में इसका ऑर्डर 33 का इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको मैं समझाता हूँ क्या है। ऑर्डर 33 इनेबल्स पर्सन हु आर टू पुअर, प्लीज सी दिस, टू पुअर टू पे कोर्ट फीस, ठीक, दिस इज, एंड अलाउ देम टू इंस्टीट्यूट सूट विदाउट पेमेंट ऑफ रिक्विजिट कोर्ट फीस। इस लाइन को समझ लीजिए, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्डर 33, प्लीज सी दिस साइड डाउन। ऑर्डर 33 क्या कहता है कि जो व्यक्ति इतने निर्धन है कि वो कोर्ट फीस की पेमेंट नहीं कर सकते हैं, वो लोग भी विदाउट रिक्विजिट कोर्ट फी के अपने सूट को फाइल कर पाएँ, ऐसी व्यवस्था करता है ऑर्डर 33। ऑर्डर 33 की हेल्प से ऑर्डर 33 वो प्रोविजन दिए गए हैं कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप अपने सूट की, अपने केस की कोर्ट फीस पेमेंट कर पाए, आप इतने निर्धन है कि आप परसू नहीं कर सकते हैं, या फिर एक कंडीशन आई आपके पास 1,000 रुपये भी नहीं है, ऐसी स्थिति में फिर आपको ऑर्डर 33 की हेल्प नहीं होगी, और ऑर्डर 33 की हेल्प से आप
ऐसे सूट को परसू कर पाएंगे। तो वो प्रोसीजर क्या होगा, उस प्रोसीजर के बारे में डिटेल में बताया गया है आपको ऑर्डर 33 में। तो नाउ लेट्स कम टू दी डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ ऑर्डर 33 बिगिनिंग विद दी रूल 1। प्लीज कम टू दी स्लाइड नाउ। सो प्लीज कम टू स्लाइड एंड दिस इज व्हाट दिस इज रूल 1 बिफोर यू। आई रीड इट फॉर यू। सूट्स मे बी इंस्टीट्यूटेड बाय इंडिजेंट पर्सन्स सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग प्रोविजन्स। निम्नलिखित जो आने वाले प्रोविजन्स हैं उनके अधीन रहते हुए एनी सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड बाय एन इंडिजेंट पर्सन। एनी सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड बाय हुम, बाय एन इंडिजेंट पर्सन। किसी भी प्रकार का सूट निर्धन व्यक्ति के द्वारा फाइल किया जा सकता है। एंड दिस आप ऐसे समझ सकते हैं एनी सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड बाय हुम, बाय एन इंडिजेंट पर्सन, बट इट इज वॉट सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग पर्सन। अब नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा, इसको समझिए पहले, यहाँ तक समझिए आप, यहाँ समझना क्या। देखिए दिस इज रूल 1, इट सेइंग व्हाट दिस इज इनेबलिंग प्रोविजन। व्हाट इट इज से, यू कैन से इनेबलिंग मीन्स सशक्त करता है, इसको इंडिजेंट पर्सन को राइट देता है कि कोई भी इंडिजेंट पर्सन किसी भी प्रकार का सूट फाइल कर सकता है। एक निर्धन व्यक्ति भी एक सूट फाइल कर सकता है, वो किसी प्रकार का भी हो। लेकिन राइडर क्या है, राइडर इज द फर्स्ट लाइन अगेन से, अगर आपने देखे नहीं है तो प्लीज सी द लाइन। इट इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजंस। इट मींस इफ यू, इफ इट मींस व्हाट, इट मींस इफ यू वांट टू फाइल ए सूट, इफ यू वांट टू फाइल ए सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन, देन यू विल हैव टू फॉलो द प्रोविजंस गिवन देयर आफ्टर, गिवन हेयर इन आफ्टर। निम्नलिखित अभी जो बाद में प्रोविजंस आएंगे, यू विल हैव टू फॉलो दोज रूल्स। उन रूल्स को अगर फॉलो करेंगे देन यू कैन फाइल एनी सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन। तो दिस इज ऑल अबाउट रूल 1 की फर्स्ट लाइन का एक्सप्लेनेशन। आई होप समझ में आया होगा आपको। दो बातें आई इसमें, क्या बात आई, देखिए पहली बात ये थी एनी सूट में भी फाइल, एनी सूट में भी इंस्टीट्यूटेड बाय एन इंडिजेंट पर्सन। कोई भी प्रकार का सूट किसी भी निर्धन व्यक्ति के द्वारा फाइल किया जा सकता है। नंबर 2 कौन सी बात थी, नंबर 2 थी ये, बट इट इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजंस। यह क्या है, निम्नलिखित प्रोविजंस के अधीन रहते हुए है। यू हैव राइट टू फाइल एनी सूट, यू कैन फाइल एनी सूट, यू कैन फाइल एनी सूट एज इंडिजेंट पर्सन, बट कैसे, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजंस, निम्नलिखित प्रोविजंस के अधीन रहते हुए। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू प्रूव योर सेल्फ यू आर एन इंडिजेंट पर्सन, यू विल हैव टू मूव एन अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन, देयर विल बी एन इंक्वायरी एंड सो ऑन। You will have to follow all the provisions of the order 33. Subject to the provisions of those provisions, you have right to file the suit as an indigent person. So this is the explanation of first line. Now indigent, indigent, what is the indigent? Indigent ka meaning kya hai? Who is the indigent person? Indigent hai kaun? Garib aadmi hai kaun? Kisko nirdhan manenge ab? Kya main garib hu? Ya aap garib hai? किसको मानेंगे, मोदी साहब गरीब है, अंबानी गरीब है, मुकेश अंबानी गरीब है, या अनिल अंबानी गरीब है, या टाटा गरीब है, या एक गांव का गरवा ये लल्लू लाल हलवाई गरीब है, किसको गरीब मानेंगे, या वो व्यक्ति जो झोपड़ी में रह रहा है उसको गरीब मानेंगे। उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, उसको क्राइटेरिया को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यू विल हैव टू गो टू एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ रूल 1, रूल 1 के एक्सप्लेन हो जाइए। नाउ प्लीज गो टू द स्लाइड ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 एंड रूल 1, प्लीज टेक, प्लीज आपने ब्रेक निकालिए, उसको हाईलाइट कीजिए जैसे मैं कर रखा है और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। प्लीज कम टू द स्लाइड नाउ। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन 1। विच एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन 1, देर आर 3 एक्सप्लेनेशन इन दिस रूल एंड नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन 1 ओनली। एंड यू सी दिस इज द ए पार्ट, देर आर 2 पार्ट्स एक्सप्लेनेशन में, ए पार्ट भी है एंड यू विल सी अगेन देर इज अ बी पार्ट एज वेल। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द ए पार्ट। व्हाट इज दिस, ए पर्सन इज एन इंडिजेंट पर्सन, एक व्यक्ति निर्धन व्यक्ति माना जाएगा कब, इफ यदि ही इज नॉट पजेस्ड ऑफ सफिशियंट मीन्स, यदि उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। ही इज नॉट पजेस्ड ऑफ सफिशियंट मीन्स टू इनेबल हिम टू पे फी प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ फॉर द प्लेंट इन सच सूट। इसको हम एक शब्द बोल सकते हैं, कोर्ट फीस, टू इनेबल हिम टू पे कोर्ट फी, कोर्ट फी। इसको समझ लीजिए इस बात को, इसको मैं हाफ पार्ट हम समझ रहे हैं अभी, पहले इसको समझिए देखिए क्या है। प्लीज सी दिस साइड नाउ।
इफ ही इज नॉट पजेस्ड ऑफ सफिशियंट मीन्स टू इनेबल हिम टू द पे कोर्ट फीस। देखिए समझिए इसको है क्या। देखिए जो पहला क्राइटेरिया है इंडिजेंट पर्सन का वो क्या है कि ऐसा हर एक व्यक्ति जो कि सफिशियंट मीन्स ना हो उसके पास, किस बात के पर्याप्त संसाधन ना हो, किस बात के लिए, ताकि वो कोर्ट फीस पेमेंट कर पाए, उतने पर्याप्त मीन्स उसके पास ना, उसको हम निर्धन व्यक्ति मानेंगे। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। देर आर फोर पर्सन्स आई एम राइटिंग हेयर। वन इज हैविंग 5000 रुपीज, वन इज हैविंग 50,000, वन इज हैविंग 5 लाख एंड वन इज हैविंग 5 करोड़। तो एक व्यक्ति के पास 5000 रुपए हैं, 50,000, 5 लाख, 5 करोड़ रुपए, किस व्यक्ति को हम मांगने कि वो व्यक्ति निर्धन है। तो आप कहेंगे इन सब में तो 5000 लग रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास 5 करोड़ रुपए हो उसके बावजूद भी उसके पास, उसको हम लॉ ट्रीट करें उसको निर्धन व्यक्ति, वो ही इज कंसिडर्ड एज एन इंडिजेंट पर्सन डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज हैविंग 5 करोड़ रुपीज। और ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास 5000 रुपए हो और उसको लॉ इंडिजेंट पर्सन ट्रीट ना करे। ये क्या मतलब हुआ? देखिए बात के पर्याप्त से मतलब है। पर्याप्त के मतलब क्या है? सपोज कीजिए कि आप हैं एक बहुत, आपकी भूख बहुत कम है, एक रोटी दो रोटी की भूख है, नीड आपकी है, नीड बेस्ड है। मतलब ये व्हाट इज द नीड, देखिए शब्द समझिए, प्लीज गो टू स्लाइड, देखिए इसको जरा, क्या ये जो वर्ड है सफिशिएंट, पर्याप्त, इसको समझ जाएंगे तो आपको पूरी लाइन समझ जाएगी, उसके पास पर्याप्त साधन है या नहीं है। और पर्याप्त किससे मानेंगे? पर्याप्त इससे देखा जाए क्या वो उन साधनों के द्वारा कोर्ट फीस पे कर सकता है, नहीं कर सकता, टू पे द फीस प्रिस्क्राइब बाय द लॉ फॉर द प्लेंट। तो पर्याप्तता का जो सफिशियंसी का जो क्राइटेरिया है वो है वेदर यू हैव सफिशियंट मीन्स टू पे द कोर्ट फीस और नॉट, रिक्विजिट कोर्ट फीस। को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, उधर देखिए। अभी देखिए ये हो सकता है कि आपकी भूख केवल, आपकी जो भूख है, आपकी भूख कितनी है, केवल आपकी भूख है केवल 2 रोटी की, आपको आपके पास 3 रोटी का पैसे है खरीदने के लिए। यू हैव सफिशियंट मीन्स टू यू नो टू डिफीट योर हंगर, टू सेटिस्फाई योर हंगर, ठीक। आपकी जो भूख है मैडम वो है आपकी 10 रोटी की, और 10 रोटी के लिए आपके पैसे कितने हैं, केवल 5 रोटी खाने के पैसे हैं। तो वी विल से यू डोंट हैव सफिशियंट मीन्स टू सेटिस्फाई योर हंगर, अपनी भूख मिटाने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है। तो इसके पास तीन रोटी मान ले 5 रुपए थे, ये निर्धन नहीं माना जा रहा। आपके पास 10 रुपए हैं तब भी निर्धन माने जा रहे हैं आप। ये ऐसे ही इसका क्राइटेरिया है। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितने साधन हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स दैट यू डोंट हैव सफिशियंट मीन्स टू पे द कोर्ट फीस। आपका इतना पैसा नहीं है कि आप कोर्ट की फीस पेमेंट कर पाए आपके, नहीं समझे आप, इसको ऐसा समझिए। You have 99, you have 5 crore with you. आपके पास जो प्रॉपर्टी है, आपके पास जो कैश है, everything including that is 5 crore worth. You are the person of 5 crore worth. But you need to pay a court fees of rupees 6 crore. More than 5 crore, any number. आपके पास 5 crore रुपए हैं, लेकिन आपको कितनी court fees करनी है? 5 crore से ज़्यादा. इट मीन्स यू डोंट हैव सफिशियंट मीन्स टू पे द कोर्ट फीस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोर्ट फीस को पेमेंट करने के पर्याप्त साधन नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट इस तथ्य के बावजूद कि क्या यू हैव ए गुड अमाउंट ऑफ 5 करोड़ रुपीज, आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं, तब भी ये कहा जा रहा है कि अब मेरे पास उतने पैसे नहीं है जितने मुझे चाहिए थे। अब आइए दूसरे केस पे, यू हैव ओनली 5000 रुपीज, आपके पास केवल 5000 रुपए, बट You the suit you want to file as a plaintiff, जिस suit की आप file करना चाहते हैं plaintiff के रूप में, उसमें court fees की requirement है केवल 1000 रुपये। आपके पास कितने? 5000 रुपये। You have 5000 rupees. You have 5000 rupees, but you have to pay only 1000 rupees. It means you have sufficient means. आपके sufficient means है, तो 5000 रुपये वाला व्यक्ति निर्धन नहीं माना जाएगा, 5 crore वाला माना जा सकता है। इस लाइन की टेक्निकलिटीज को समझ के रखिएगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जा रहे हैं मेंस देने के लिए तो आपको ये या पूरी पूरी लाइन एग्जैक्टली याद कर लेनी चाहिए। इसमें टू पे दी फीस वगैरह को इतना कर सकते हैं, टू इनेबल दी रिक्विजिट कोर्ट फी कर लीजिए, पूरी लाइन की टेक्निकलिटी जाके उसको एक शब्द दे दीजिए, कोर्ट फीस दे दीजिए, इतना कर सकते हैं आप। ये तो ये बात समझ में आई नहीं है आपको? ये आप ऐसे समझिए, आपको जाना है,
आपकी जेब में है मैडम, अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं 200 धार दे रहा हूँ, आपको जाना है मुंबई, आपके पास 50,000 रुपये हैं, आप आराम से जा सकती हैं, तो आप निर्धन नहीं हुई। अब आपको जाना है इंग्लैंड, आपके पास 50,000 रुपये हैं, आप क्या कहेंगे कि भाई इंग्लैंड की यात्रा करने के लिए मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है, तो लॉ की नज़र में आप 50,000 होने के बावजूद भी निर्धन हो गई इंग्लैंड जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए निर्धन नहीं माना जाएगा। तो एक ही व्यक्ति को निर्धन माना भी जा सकता है, नहीं भी माना जा सकता, डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्ट फीस एंड हिज मीन्स। इफ हिज मीन्स आर सफिशियंट, उसके पास पर्याप्त साधन है कि कोर्ट फीस पेमेंट कर पाए, देन ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंडिजेंट पर्सन, अदरवाइज ही विल बी कंसिडर्ड एज एन इंडिजेंट पर्सन। तो दिस इज द पार्ट ए, हु इज द पर्सन इंडिजेंट इन द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ सीपीसी, कौन हुआ, हु इज नॉट हैविंग सफिशियंट मीन्स टू पे द कोर्ट फीस। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन वन, प्लीज सी द स्लाइड नाउ। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्लाइड नाउ, सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पार्ट ए, वॉट इज अदर देन प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, दिस इज वी हैव टू सी नाउ, वॉट इज दिस नाउ, सी यू कैन सी हेयर दिस इज दिस। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए मैं समझाता हूँ, पहले समझिए है क्या। नाउ वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई वेदर हु इज एन इंडिजेंट पर्सन, कौन व्यक्ति इंडिजेंट माना जाए, किस व्यक्ति को इंडिजेंट माना जाए। नो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि देयर फोर यू विल हैव टू सी वट आर योर मीन्स, वट आर योर असेट्स, तो असेट्स देखे जाएंगे एंड वैन देयर विल बी कंपेरिजन दैट वेदर दो असेट्स आर सफिशियंट टू पे द कोर्ट फीस और नॉट। फाइन, नाउ देयर इज अ कैलकुलेशन ऑफ द असेट्स, देयर इज अ कैलकुलेशन ऑफ वॉट, कैलकुलेशन ऑफ असेट्स, उन असेट्स की तुलना, असेट्स की कैलकुलेशन होगी, अकाउंटिंग होगी टू कम टू ए कंक्लूजन वेदर यू हैव सफिशियंट मीन्स और नॉट। तो वेदर वट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन वाइल असेसिंग वेदर यू हैव अ सफिशियंट मीन्स और नॉट, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया जाए, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड किया जाए इन द कैलकुलेशन ऑफ डिटरमाइनिंग द सफिशियंसी ऑफ योर असेट्स, सफिशियंसी ऑफ वॉट, वेदर यू हैव सफिशियंट मीन्स टू पे द कोर्ट फीस और नॉट। बात समझ आ रही है आपको, फॉर दैट पर्पज वॉट इट सेज, नाउ यू रीड द स्लाइड प्लीज सी दिस, इफ ही इज नॉट पजेस्ड ऑफ सफिशियंट मीन्स टू एनेबल हिम टू पे द फीस प्रेस्क्राइब्ड, लेकिन क्या, अदर देन वॉट, दिस इज आई गिव इट रेड कलर, अदर देन प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, नंबर वन दिस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी इंक्लूडेड एंड सेकेंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसको समझिए, वन प्रॉपर्टी क्या हुई, दिस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट, एग्जम्प्ट कहाँ से, अटैचमेंट से एग्जम्प्शन हो, कुर्की से जिसका एग्जम्प्शन होता हो, कब, एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री में, एक प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी इंक्लूडेड एंड उसे क्या, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट शुड बी एक्सक्लूडेड। अब इसको समझिए, मैं आपको समझाता हूँ, प्लीज सी दिस साइड, देखिए है क्या, नाउ कैलकुलेशन इज बीइंग मेड दैट वेदर यू हैव सफिशियंट मीन्स टू आइडेंटिफाई सफिशियंट मीन्स टू पे द कोर्ट फीस और नॉट। तो नंबर वन कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टी विच इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द अटैचमेंट इन द एग्जीक्यूशन, दैट प्रॉपर्टी शैल नॉट बी कैलकुलेटेड। क्या मतलब है इस बात का, बहुत आसान भाषा में समझिए, सपोजिडली एक सूट में एक डिक्री पास हुई आपके खिलाफ, ए डिक्री हैज बीन पास अगेंस्ट यू इन ए सूट, फाइन, दैट इज अ रिकवरी ऑफ मनी, रिकवरी ऑफ मनी, सूट हैज बीन डिक्रीड अगेंस्ट यू एंड नाउ यू आर ए जजमेंट डेटर एंड जजमेंट सॉरी डिक्री होल्डर गोज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। समझ आ रही बात, आपसे 10 लाख की वसूली का केस था, आप उस केस को हार गए हैं, जिस व्यक्ति के फेवर में केस हुआ है वह व्यक्ति उस अपनी डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए कहाँ चला गया, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में चला गया, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई है उसमें वो, फाइन, नाउ आप भागे भागे फिर रहे हैं, आप यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, देन वॉट इज द लास्ट स्टेप फॉर हिम,
देन कोअर्सिव मेजर्स कैन बी टेकन अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ ऐसे ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे ताकि इनको जिससे आप बाध्य हो जाए उसके पैसे देने के लिए, उसमें नेचुरल। एंड वन ऑफ द प्रोसीजर इज वॉट अटैचमेंट ऑफ योर प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में, बात समझ में आ गई। बट अब आए एग्जीक्यूशन करने के लिए, अटैचमेंट करने के लिए, आप वहाँ पे हैं, आप अब जो जजमेंट सॉरी डिक्री होल्डर है वो आता है, कहता है मैडम के जो गले में मंगलसूत्र है उसको भी निकाल लो, है ना, जो जो रिलीजियस ऑर्नामेंट्स हैं उनको भी हटाओ, अरे इनकी किचन में जितने यूटेंसिल्स हैं उनको भी हटाइए, ठीक है, जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं उनको भी सबको लेकर चलो, घर खाली कर दो पूरी तरीके से। लेकिन नो मिस्टर, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यू रीड द सेक्शन 60 सीपीसी, देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज दोज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन द अटैचमेंट, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको आप किसी भी दशा में एग्जीक्यूशन में अटैच नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अटैच दोज प्रॉपर्टीज, तो दोज प्रॉपर्टीज शुड नॉट बी इंक्लूडेड वाइल असेसिंग द सफिशियंसी और इनसफिशियंसी ऑफ ए पर्सन इन कंसिडरेशन व्हेन ही इज वेदर ही इज एन इंडिजेंट और नॉट। तो वो प्रॉपर्टी जो सेक्शन 60 में एग्जम्प्ट है एग्जीक्यूशन में, ऐसी प्रॉपर्टी को आप इंक्लूड नहीं करेंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ द वेदर यू हैव सफिशियंट मींस और नॉट। नहीं आई समझ बात, दोबारा समझिए, समझिए आपको, सपोज यू हैव टू पे द, मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको दूसरी स्लाइड दिखाता हूं उसमें समझिए आप इसको, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।